ठीक है, बिल्कुल सही आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा क्या है यहाँ पे, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ जनाब आपका पूरा हो चुका है। अब ट्वेल्थ पूरा करने के बाद में जहाँ आप अपने 3 से 4 साल देने वाले हैं वो है अगला पीरियड ग्रेजुएशन। तो वहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो हमारी चीज़ें ट्वेल्थ में थी सेम वो चीज़ें हमारी ग्रेजुएशन में होंगी, अगर होंगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगी तो क्या चेंजेस होने वाले हैं पढ़ाई के माहौल में लेकर हमारी तैयारी से लेकर हमारी एग्जाम तक, क्या क्या बदलाव होंगे इस 3 सालों में, क्योंकि चीज़ें तो सेम रहने वाली है नहीं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, तो अपने को हमें किस तरीके से बदलना चाहिए, अपना गेयर शिफ्ट करना चाहिए, हमें तेज मारना है ठीक है या स्लो अपने को करना है, वो सारी चीज़ों पर आज हम अपने पूरे एक्सपीरियंस से आप सभी के सामने बात करेंगे। ठीक है, तो कई चीज़ें हमारी बदल जाती हैं जब हम 12th से ग्रेजुएशन की ओर जाते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फेस रहता है वो हमारा पढ़ने का तरीका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? हमारा पढ़ने का तरीका। जब हम क्लास 12th में होते हैं, 12th में होते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ एक मेथड हमारे दिमाग में रहता है कि हमारे बोर्ड्स हैं और हमको बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करना है, और जिस टीचर से मैं 12th की तैयारी कर रहा होता हूँ बोर्ड का, तो मैं उसको साक्षात गुरु मानकर जो वो शब्द बताता है उसी के पथ पे मैं चलता हूँ और अपने पूरी मेहनत के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ मैं 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आता हूँ। ठीक है, और 12th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद में हमारा एक सपना रहता है कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ मैं जा सकूँ। तो ये 12th का सिस्टम रहता है। 12th में आपका NCERT बेस्ड पूरी चीज़ें रहती हैं, क्वेश्चंस पता रहते हैं, एक सैम्पल पेपर आपको मिल जाता है ठीक है, जहाँ से 10-15 सैम्पल पेपर होते हैं, आप उन्हीं को तैयार करते हुए अपने 12th को प्रिपेयर करते चले जाते हैं। 12th को प्रिपेयर करने के बाद में बच्चा बढ़ जाता है साइंस और कॉमर्स और उस साइड में, तो वहाँ पे आपके पाथ अलग अलग हो जाते हैं। साइंस का पढ़ने का तरीका अलग रहता है, कॉमर्स का पढ़ने का तरीका अलग रहता है, तो उन सारी चीज़ों पर हमें उस तरीके को किस तरीके से अपनाना चाहिए। तो जो टोटल पढ़ने का तरीका है ना, वो सिस्टमेटिक वे में बदल ही जाता है 12th से ग्रेजुएशन की ओर। यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 पेपर 6 महीने के लिए। ठीक है, आपके पास में होते हैं सेमेस्टर होता है, आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है वो होता है 6 मंथ का। आपको इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने 3 साल जहां व्यतीत करने वाले हो वहां से 3 से 4 मिनट जरूर दो। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, आपके पास में 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर को आपको डेप्थ में पढ़ने को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? डेप्थ में। डेप्थ में क्यों पढ़ना है? ये आपका हायर एजुकेशन है। कैसा है? हायर एजुकेशन की ओर है। ग्रेजुएशन मतलब आपका हायर एजुकेशन, उस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे बच्चों का सवाल आता है कि भैया हमको ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे पूरा फोकस मारना है या फिर मैं जो एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ मुझे वहां पे भी ध्यान देना है? राइट, आप जो एग्जाम टारगेट कर रहे हो ना, आपको ग्रेजुएशन के साथ में उसको भी समय देना है। 2 घंटा उधर जरूर दीजिए, अपने ग्रेजुएशन को टाइम दीजिए, लेकिन 2 घंटा उधर भी दीजिए। ठीक है, और जो आपके 6 पेपर हैं उनको ईमानदारी से तैयारी करेंगे और सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका बदल जाता है, पूरा सिस्टमेटिक वे में बदल जाता है। उसके बाद में मैं बात करूँगा यहाँ टीचर से प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। वहाँ जब आप 12th क्लास में होते तो आपको पढ़ाते हैं आपके टीचर्स, ठीक है, टीचर से जनाब प्रोफेसर तक, जो एक टीचर होता है उसको प्रोफेसर बनने में जनाब 10 साल की उसकी मेहनत होती है। आप जब ग्रेजुएशन 12th के बाद में ग्रेजुएशन में आ गए, आपको जो सामने बंदा पढ़ाने आ रहा है उसको बोलते हैं प्रोफेसर, और उस प्रोफेसर के पद तक पहुंचने में बड़ा संघर्ष रहता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपको जो इंसान पढ़ा रहा है वो बहुत काबिल इंसान है, उसने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए उस पद तक पहुंचने के लिए। आसान नहीं है प्रोफेसर बनना, ठीक है, टीचर तो बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाए तो टीचर बन गए, लेकिन कुछ नहीं बन पाए प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं। प्रोफेसर में लगती मेहनत बहुत लगता है, तो जो आपको पढ़ाने जा रहा है तो उसको कम मत बिल्कुल आंकना, हाईली एजुकेटेड बंदा है आपके सामने जो आ रहा है। तो जो कुछ भी पेपर है जो आप पढ़ रहे हो उसका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आप पहले दिन क्लास में जाओगे कहोगे क्या प्रोफेसर आके क्या बल के चले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी हैं समझ में ना आने वाली कॉम्प्लेक्स चीज़ें, आप उस प्रोफेसर के पास जाइए आफ्टर द क्लास, सर मेरा ये डाउट है हमको ये बता दीजिए, तो आपको बताएंगे वो, ऐसा नहीं बताएंगे नहीं, चाहे आप किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में हो चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में हो। तो ये चीज़ें जब पूछेंगे तो उनका पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, उनके पास में सिलेबस ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से क्योंकि वो सारी चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर होती है, तो उसमें तो वो सारी चीज़ आपको अच्छे से बता देंगे। और एक पेपर को पढ़ाने के लिए आपको कभी कभी जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो एक पेपर को भी पढ़ाने के लिए आपको 4-4 प्रोफेसर मिलते हैं, एक यूनिट ये प्रोफेसर पढ़ाता है, एक यूनिट ये प्रोफेसर पढ़ाता है। फर्स्ट ईयर में आपको एक पेपर एक ही प्रोफेसर पढ़ाएगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदलती जाती हैं। तो यहाँ पे टीचर बदल जाता है, 12th में सिस्टम रहता है, लेकिन प्रोफेसर यहाँ आ जाता है ग्रेजुएशन में, तो उसका अलग ही सिस्टम होता है पूरा। ठीक है,
ये चीज आपको समझ में आई। आगे हम बात करेंगे एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका बदल जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही, हमारा ट्वेल्थ में लिखने का तरीका रहता है, हमारा बोर्ड की कॉपी जिस तरीके से लिखी जाती है, हम क्या करते हैं और हमको क्या सजेस्ट करते हैं हमारे टीचर्स कि टॉपर की जगह एक बार क्या करिए आप आंसर शीट को देख लीजिए, ठीक है, लास्ट ईयर के टॉपर ने किस तरीके से लिखा था, वो उसने बोर्ड टॉप किया था, उसकी क्या लिखने का तरीका था, वो एक सिस्टम अलग है। लेकिन जनाब ये है हमारा क्या है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कॉपी लिखने का तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में हमें एक थ्योरेटिकल जूलॉजी का कोई क्वेश्चन दिया गया है ना, फाइलम के ऊपर में है, ठीक है, फाइलम में कोई एक एनिमल है मान लीजिए, उसको उसके ऊपर क्वेश्चन हमारा है, तो आपको क्या करना है, आपने फाइलम पढ़ा है, वो फाइलम किसके अंडर, वो एनिमल किस फाइलम के अंडर में आता है, उसके बाद में आपको थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में जो लिखना है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से एक से दो लाइनें लिख दीजिए, ठीक है, उस चीज के बारे में। उसके बाद में एक आपको यहाँ पे सुंदर सा डायग्राम बना देना है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है फिजिक्स में हो, फिजिक्स में वहाँ पे डायग्राम लग पाएगा तो डायग्राम लगा दीजिए, केमिस्ट्री में पढ़ लगा रहे हो उस आंसर में, अगर आपको लग रहा है आप दो इलेक्ट्रोड बना सकते हैं वहाँ पे तो दो इलेक्ट्रोड बना दीजिए, ठीक है, जूलॉजी में लग रहा है, जूलॉजी में डायग्राम बनाना ही बनाना है, कंपलसरी है, डायग्राम बनाइए। मैथ में पढ़ रहे हैं, मैथ्स का सोल्यूशन तो मैथ्स में तो कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो लिखने वाला थ्योरेटिकल पेपर है मैं उसमें बता रहा हूँ, आप अपना डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम के बाद में आपने यहाँ लेबल किया, लेबलिंग के जो जो चीजें आपने लेबलिंग की है ना उनको पॉइंटों में लिख दीजिए इस तरीके से। एक आंसर जो है ना आपका, एक आंसर है वो दो पेज में, मतलब एक पेज इस साइड का दूसरा पेज उस साइड का, ठीक है, इतने में समेट दीजिए अच्छी तरीके से, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, 7 मार्क्स होगा, पार्ट में आता है ना तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है ग्रेजुएशन में, आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। और अगर आपने ये दिमाग में मिथ पाल रखी है कि हमारे यहाँ बाकी भैया लोग बताए हैं कि ग्रेजुएशन में ज्यादा जितना ज्यादा पन्ना भरोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, मिलते होंगे वो बीए में, लेकिन बीएससी में जनाब ऐसा नहीं है, पन्ना भरोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऊपर से फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगी, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना पन्ना भर से नंबर मिलते। देखो जो पन्ना भर के आए होते वो कहते हैं भैया हमको तो 0 मार्क्स मिले हैं, हम तो बहुत लिख के आए थे, तो प्रोफेसर कहता है अंडरस्टैंड लिख के आओगे हम नंबर नहीं देंगे, आई एम अ प्रोफेसर नॉट योर क्लास टीचर ऑफ बोर्ड, समझ रहे हो, वो एक प्रोफेसर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो कुछ भी नंबर नहीं दे देगा, खासकर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे थे तो ध्यान रखना इस चीज को, तो कुछ भी नहीं लिखना है, जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग में ही लिखना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, सिस्टमेटिक वे में लिखना है, पॉइंटों में बात करनी है कि फिगर में बात करके आनी है और फ्लो चार्ट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं बात करना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे मार्किंग सिस्टम का तरीका बदल जाता है, राइट, देखो जब हम क्लास 12 में होते हैं वहां मार्किंग का पूरा एक अलग तरीका होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क मिलता है, क्या मिलता है आपको, जो भी आप स्टेप कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं वहां पे। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या रहता है, आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं लेकिन वो मैथ में मिलेंगे, किस में मिलेंगे, मैथ्स में, मैथ्स में आपको हर चीजें जो लिखिए ना, जो सवाल लगाइए उसके बाद में उसको डब्बे में ऐसे बना के आइए, गंदा संदा नहीं सवाल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्किंग जो होती है ना वो सही से होती है, अगर आप चीजें सही तरीके से लिख के आओगे आपको नंबर मिलेगा। फिर बच्चा बोलता है भैया ग्रेजुएशन में नंबर कम क्यों आता, चीजें होती हैं क्योंकि सिलेबस उतना ज्यादा होता है ना, बच्चा उतना कवर ही नहीं कर पाता है, ठीक है। और आंसर शीट चेक करने का तरीका बदल जाता है, वहां आपकी आंसर शीट चेक उस तरीके से होती है, यहाँ आपके दो टाइप के पेपर होते हैं, ठीक है, एक होता है थ्योरी पेपर होता है आपका, एक आपका एमसीक्यू होता है, ठीक है। थ्योरी का सिस्टम का अलग होता है चेक करने का, ठीक है, और इसका सिस्टम अलग होता है चेक करने का, दोनों का अलग होता है, ठीक है। ये आपका मशीन से कॉपी चेक हो जाती है, ये आपका इंडिविजुअली इंसान चेक करता है, मतलब प्रोफेसर चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉपी चेक करने का पूरा तरीका बदल जाता है, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं। उसके बाद में कुछ सवाल रहते हैं जो टिप्स रहती मुझे देना आपको बहुत जरूरी है, इन बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या है, आपको 30 से 50 दिन सफिशियंट है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई भी पेपर आपके है ग्रेजुएशन में, आपको उस पेपर में अगर अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो मोर देन 30 से 50 दिन आर सफिशियंट, मोर सफिशियंट, ठीक है। ये आपको अगर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो ना तो 30 से 50 दिन सफिशियंट है उस पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए।
ठीक है, लेकिन आपको वो 50 दिन रेगुलरिटी से अच्छी तरीके से उस पेपर को डेडिकेट करना है। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो सिलेबस रहता है ना, फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनका जो सिलेबस रहता है वो मोस्टली 11th से और 12th से क्या होता है, रिलेटेड रहता है। क्या रहता है? रिलेटेड रहता है, ठीक है। थर्ड जो चीज आपको ध्यान देनी है वो आपको क्या करना है, फोकस किस पे करना है, लेंथ ऑफ आंसर पे। जिस चीज का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, आपको कॉपी में जो आंसर लिखोगे उसकी लेंथ पे फोकस करना है, कि आपको लंबा नहीं लिखते चले जाना है कि क्वेश्चन बहुत आ गया, उसकी भावनाओं में बहते चले गए। ट्रांजिस्टर पूछा कि ट्रांजिस्टर को मार एनपीएन से लगाकर पीएन जंक्शन, जितना भी आपको पता है ट्रांजिस्टर के बारे में वो सब लिखते चले गए। भैया जितना पूछा जाए ना उसको पॉइंटों में बात करके आओ, सिस्टमेटिक वे में बात करके आओ, ठीक है। तो उतना ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको थ्योरी पे, आपको थ्योरी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करना है। और जो था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रेजेंटेशन पे। कैसे फोकस करना है? प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन मेरा कहने का मतलब है कॉपी लिखने का तरीका, सजावट का तरीका। बहुत होशियार होशियार बच्चे होते हैं, कैसे देखो, ये जो आपको कॉपी मिलती है एग्जाम में, मान लो वो रेक्टेंगल शेप में होती है इस तरीके से, ठीक है। बच्चा क्या करता है, इधर एक मार्जिन ऐसे लगा देता है मोटा सा, एक इधर ऐसे मार्जिन लगा देता है। फिर वो क्या करता है, कॉपी का जो पन्ना इस लिखने वाला होता है वो हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो सोचता है ऐसे करेंगे कूल लगेंगे, ऐसे आप कूल नहीं लगेंगे। तो कॉपी चेक करा, उसको बताया आप स्पेसिंग कम कर दे रहे हो। दूसरी चीज, आपको जो है कॉपी मिलती है ना यूनिवर्सिटी में, वो आपको सिर्फ सिंगल कॉपी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एक कॉपी दे दी गई है, जितने पन्ने उसमें वही मिलेगी। उसके बाद में अगर आपने कहा कि हमको क्या चाहिए, बी शीट चाहिए, तो बी शीट आपको नहीं मिलती है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कॉपी लिखने का तरीका बदल जाता है जो मैंने आपको चीजें बता दी है। आपको प्रेजेंटेशन पे पूरा फोकस करना है। लास्ट जो एक चीज है वो भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, देखिए मोर चॉइसेस आर अवेलेबल। ये बिल्कुल बात सही है। जब आप 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, आपके क्वेश्चंस जितने आपको दिए जाते हैं, उसके अलावा ग्रेजुएशन में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको चॉइसेस ज्यादा मिलती हैं। चॉइसेस ज्यादा मिलने का मतलब है आपको 50% चॉइस मिलती है। मतलब अगर आपको टोटल पेपर में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको मात्र 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 में से 5 करने हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको पूछता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया चॉइसेस आपको ज्यादा मिलती है ग्रेजुएशन के मुकाबले में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, कुछ स्टडी टिप्स हैं जो मैंने आपको चीजें बताई थी, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, जो टिप्स है वो सबसे पहली चीज है आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे फोकस मारना, सिलेबस। आपको जितने भी आपके पास पेपर हो अभी क्या क्या करिए, सिलेबस डाउनलोड करिए। क्या करिए? सिलेबस क्या करिए? डाउनलोड। कैसे डाउनलोड करना वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसको सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए, अपने पास में रखिए, यहाँ पे जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे इसको चिपका लीजिए। हर पेपर का हार्ड कॉपी में सिलेबस आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ ना बोलो, होना चाहिए ना। अगर 6 महीने का कोई पेपर है और आपका पास उसका सिलेबस ही नहीं है तो सबसे खराब बात तो यही है। तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले अभी आप सिलेबस उसका डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकलवाइए, अपने पास में सिलेबस रखिए। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सिलेबस आपके पास में रहता है, उसके अकॉर्डिंग में सिलेबस का पहला टॉपिक, सिलेबस का दूसरा टॉपिक, सिलेबस का तीसरा टॉपिक, चौथा, पांचवा, छठवा, उस तरीके से कवर करके उसके लेक्चर्स देख लीजिए। क्या कर लीजिए? लेक्चर्स वॉच करिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी के हर पेपर के लेक्चर्स जो है ना वो ऐप पे अवेलेबल है। किस पे अवेलेबल है? एलयू अपडेट ऐप पे अवेलेबल है। मैं बात करता हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है। जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं या 3rd 5th किसी के भी हों, उन सभी के जो लेक्चर्स है ना वो कहाँ अवेलेबल है? इस ऐप पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे बीएससी वाले कोर्स पे उस पर क्लिक करिएगा। बीएससी से क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले कोर्स पे, ठीक है, इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे, आपको हर एक पेपर का अच्छी तरीके से सिलेबस क्या होगा दिखाई देगा। और एलयू अपडेट का उसकी क्या है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, फिजिक्स की भी चल रही है, पीसीएम, पीएसएम और जेडवीसी सभी की क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पे चलती हैं, ठीक है। क्लासेस एलयू अपडेट पे बीएससी के, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको पता है। बाकी थर्ड जो एक स्टार्ट सिलेबस पे मैंने बात कर ली, लेक्चर्स पे मैंने बात कर ली, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पीवाई की हुआ है। आप एक यूनिट कंप्लीट करिए, एक यूनिट को कंप्लीट करने के बाद में आप उसका पीवाई क्यू देखिए। क्या है,
उस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में, ठीक है, ठीक है। और आपको क्लासेस के बाद में वो पीवाईक्यू अगर आपको नहीं लग रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आपकी क्लासेस के बाद में आपको संडे को डाउट सेशन होता है, आप क्या करिए उस डाउट सेशन में ज्वाइन कीजिए। डाउट सेशन में कुछ भी आपका डाउट रहता है आप डायरेक्ट फैकल्टी से पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट है या फिर ये क्वेश्चन हमको समझा दीजिए। स्टैंडर्ड बुक रहती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग में जो भी कंटेंट होता है डिजाइन किया जाता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग में, उससे बाहर कुछ नहीं। सिलेबस तो जना बहुत है हायर मैथमेटिक्स में, हायर ग्रेजुएशन में, ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी पूछता है उसी के अकॉर्डिंग में सारी चीजें डिजाइन की गई है। ऐप पे हर एक चीज आपको मिलेगी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो स्टैट्स हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, हर एक पेपर का कंटेंट आपको एलिवेटेड मोबाइल ऐप पे मिलेगा। और जैसे जूलॉजी बॉटनी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टैट्स हो गया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमें भी अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के अच्छी तरीके से कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोई और दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। क्लासेस ऐप पे चल रही है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो जरूर और करना ही चाहिए। जो प्राइस की मैं बात करूं, देखिए प्राइस की मैं बात करता हूं, ऐप पे जो कॉस्ट रहता है ज्वाइन करने का वो क्या रहता है, देखिए जो क्लासेस रहती हैं हमारी वो आपको रिकॉर्डेड मिलती हैं, ठीक है, क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, संडे को डाउट सेशन रहता है, संडे को क्या रहता है डाउट सेशन रहता है, वो भी लाइव रहता है, एजुकेटर के साथ में रहता है, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो रहता है आपको कभी भी डाउट आ जाता है, पढ़ते टाइम पे कभी भी डाउट आ गया है, आपका ग्रुप बना है, ठीक है, उस ग्रुप में कौन हो, आप हो, आप मतलब यू आप हो प्लस एजुकेटर है, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए वो आपको क्या करेंगे आंसर करेंगे, समझ में नहीं आता तो आप पे डायरेक्ट कॉल पे बात कर लेंगे आपकी, लेकिन डाउट सभी क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। फिलहाल कोई और डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिंक मैं सभी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।